पास फिजिक्स का पेपर है, सही है। अब जैसे अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारा 9 का फिजिक्स का पेपर जो मैंने आज हुआ है उसका बताया था वो 100% लगा है पूरा, ठीक है। इसी तरीके से इसका भी जल्दी से एक बुक का रिव्यू कर लेते हैं। मैं जल्दी वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ कि जो है हमें फिर टाइम नहीं मिल पाता है, कुछ इंटरनेट के भी इशू चलते हैं, तो मैंने कहा जल्दी बना के मैथ्स की इसके बाद बना दूंगा मैं 9 क्लास की। अभी ये मैट्रिक का देख लेते हैं, ठीक है। तो अब ये सारे हमारे चैप्टर हैं यूनिट 10 से लेकर यूनिट 20 तक, ठीक है। इसको जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तो पहला चैप्टर के अंदर से जो हमारा इम्पोर्टेंट है वो है हमारे पास ये टाइप ऑफ वेव मोशन है, ट्रांसलेटरी मोशन और ये लॉन्गिट्यूडनल वाला, इसका डिफरेंशिएट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाला भी देख लो, ये अलग से इन्होंने डिफरेंशिएट दिया हुआ है, तो कोई भी इसके 3 पॉइंट 4 पॉइंट आप याद कर लो, ठीक है। इसके साथ साथ हमारे पास आगे हम चलते हैं तो ये छोटी छोटी डेफिनेशन है टाइम पीरियड वगैरह की, इसको भी हल्का हल्का देख लो तो अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा सही है। अच्छा अब ये हमारे पास इसके न्यूमेरिकल्स जो हैं, अच्छा न्यूमेरिकल्स का बहुत ध्यान रखना, एक अलग से न्यूमेरिकल का आएगा। जैसे आज के पेपर के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल उन्होंने दिए हैं, 3-4 न्यूमेरिकल दिए हैं, तो न्यूमेरिकल्स का बहुत ध्यान रखना, ठीक है। तो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लेना, बहुत ही आसान है। वर्क एग्जांपल भी जितनी ज़्यादा कर सकते हो प्रैक्टिस कर लो। सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला टॉपिक आ रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो ये वाला हमारा पेंडुलम वाला है, सेकंड पेंडुलम वाला, ये वाला सवाल जो है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस कर लो अच्छी तरीके से। इसका न्यूमेरिकल जो है टाइम पीरियड ऑफ अ सेकंड पेंडुलम वाला न्यूमेरिकल लाजमी आ रहा है, इसकी प्रैक्टिस कर लो, ये लाजमी आएगा, ठीक है। अच्छा सेकंड पेंडुलम का जो हमारे पास लिखा होता है उसका टाइम पीरियड हम 2 लेते हैं, उसमें बस ये लिखा होता है लेंथ ऑफ द सेकंड पेंडुलम, ठीक है। ये पेंडुलम वाले न्यूमेरिकल लाजमी करो, पहले चैप्टर में से बस इतना ही काफ़ी है। फिर इसके बाद हमारे पास, अच्छा ये सेकेंड चैप्टर में हमारा जो इंपॉर्टेंट है उसके अंदर ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ स्पीड ऑफ साउंड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरीके से देखो, ठीक है। इसका ये ग्राफ भी है, सही है। इसके साथ ये स्पीड का फार्मूला भी होना चाहिए, हो सकता है इसका न्यूमेरिकल वगैरह अगर आ जाए तो। ये तो न्यूमेरिकल हमारे पास पुराना भी है, पुरानी बुक के अंदर भी काफ़ी था, तो इसको भी अच्छी तरीके से कर लें, ठीक है। आगे चलते हैं, ये न्यूमेरिकल्स की वर्क एग्जांपल को छोड़ना नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। छोटी छोटी डेफिनेशंस को भी साथ साथ लेके चलना है। अच्छा इसके बाद हमारे पास जो एक सवाल आया हुआ है अल्ट्रासाउंड का लॉन्ग के अंदर, ये पक्का करो लॉन्ग का सवाल आ सकता है, ठीक है। इसके अंदर हमारी एप्लीकेशंस भी दी हुई है, लेकिन पेपर में एप्लीकेशन आई थी कि मेडिकल फील्ड में कौन कौन सी यूज़ हो रही है, तो इसमें ये जो इको कार्डियोग्राफी है और ये हमारे पास अल्ट्रासोनिक्राफी की, ये दो चीज़ें जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसके जो छोटे छोटे नोट्स हैं ये छोटे छोटे ही करने हैं, इतने बड़े बड़े नहीं कर लेना, आराम से बिल्कुल, यानी कि ऐसा हो कि जो बात की जा रही है वो पूरा पूरा, जो नोट्स हमारे पास अभी आए हैं ना उन्होंने भी पूरी पूरी किताबें छाप दी हैं, लेकिन इसको इस तरीके से करना कि लिखा हो किताब का, लेकिन ये नहीं कि आप एक ही उसमें लिखना बैठ जाएँ, बिल्कुल सही तरीके से आप लिखें, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का है, यूनिट 12, डिस्पर्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन कर लेना, ठीक है। इसके अंदर से वैसे इस चैप्टर में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये छोटी छोटी डेफिनेशन है, इसको देख लेना। इसके बाद हमारे पास ये करेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको कर लेना। इसके वर्क एग्जांपल जो हैं ये ज़रूर करें, ठीक है, पेपर के लिए। ये यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का आप देख सकते हो, ठीक है, इसको भी आप कर लेना। इसमें माइक्रोवेव और इसके बारे में इंफ्रारेड रेज जो है इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आप छोटे छोटे डेफिनेशन आप कर। इसका जो है रेडियो वेव आया भी है हमारे पास मॉडल पेपर के अंदर, तो इसको भी आप अच्छी तरीके से देख के जाओ, ठीक है, इस चैप्टर के अंदर से। सही, एक्सरे का आ सकता है, ठीक है, एक्सरे का आ सकता है हमारे पास, अल्फा बीटा गामा रेज के बारे में आ सकता है, ठीक है, ये ज़रूर करो, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज आए तो 3-3, 4-4 कर देना, बहुत हो जाएगा। अब ये ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स वाला जो है ना, इसके अंदर बेसिकली जो है हमारे पास न्यूमेरिकल्स हैं और ये हमारे पास मिरर इक्वेशन है, इसकी यहाँ पे सोल्यूशन मौजूद नहीं है, लेकिन मैंने करवाया है सोल्यूशन उनको, तो इसको अच्छी तरीके से देख लेना, ठीक है। ये मिरर फार्मूला जो हमारे पास है, सही है, हाँ। और इसके साथ साथ इसके न्यूमेरिकल पक्का करना। देखो न्यूमेरिकल में तो 2-3 चीज़ें हैं, वो पता होनी चाहिए कि पी हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, और क्यों हमारा इमेज होता है, और इसके अंदर जो हमारा हमारे पास मिरर है, मिरर है उसके अंदर हमारे पास कॉनकेव और कॉनवेक्स होते हैं, ठीक है। तो कॉनकेव जो होते हैं वो हमारे जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, और कॉनवेक्स जो होते हैं वो नेगेटिव इमेज वो कराते हैं, ठीक है। रियल और इन्वर्टेड, इसी तरीके से इन्वर्टेड इमेज जो होता है कॉनवेक्स होता है। देखो मिरर में हमारे पास कॉनकेव के बारे में मिलेगा, और अगर हम लेंस में चले जाएंगे तो उल्टा हो जाता है हमारे पास,
लेंस में जब हम जाते हैं तो क्या हो जाता है हमारे पास, कॉनवेक्स आ जाता है, यानी कि उसका अपोजिट हो जाता है बिल्कुल। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना। और सवाल जो है ना मैग्नीफिकेशन वाला ज़्यादातर आ जाता है कि मैग्नीफाइड होता है, मैग्नीफाइड का फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन पी की मदद से, जो मैंने कराए हुए सारे उसी हिसाब से देख लेना। ठीक है, तो इसके अंदर चैप्टर के अंदर मेरे हिसाब से जो है वो न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन है, ये न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, ये इसके अंदर स्नेल्स लॉ भी शायद मेरे ख्याल से, क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लाजमी आएगा। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद करें। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास ये फिर न्यूमेरिकल आ गया, इसकी भी प्रैक्टिस अच्छी तरीके से करनी है। वेक्टर का सवाल आया हुआ था लॉन्ग में, इसको अच्छी तरह करें। ठीक है, ये आ सकता है लॉन्ग के अंदर। ठीक है, अब पहले बुक्स के अंदर हमारे पास सिंपल और कंपाउंड माइक्रोस्कोप आता था, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छी तरीके से कर ले। ठीक है, हमारे पास इसके अलावा टेलीस्कोप का भी अक्सर आ जाता था, तो टेलीस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप दोनों कर ले। ठीक है, इसमें से कोई एक तो लाजमी आ जाएगा। डिफेक्ट्स ऑफ आइज मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, डिफेक्ट्स ऑफ आइज के अंदर हमारे पास लॉन्ग साइटेडनेस शॉर्ट साइटेडनेस पक्का सवाल एक बन रहा है। ठीक है, कभी कभी ह्यूमन आई भी बनानी आ जाती है, तो ह्यूमन आई को भी देख लें। ठीक है, इसके जो है ना करेक्शन भी आपको, ये जो डायग्राम है ना, ये भी बनानी है साथ साथ। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके साथ साथ जब आप करेंगे तो ये डायग्राम्स के साथ आपको करना है। चैप्टर के अंदर हमारा कूलम लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से देख लें। सही है, इसके न्यूमेरिकल के साथ इसको करना है। कैपेसिटर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, ये भी करना है आपको। ठीक है, इसका फॉर्मूला याद रखें, ये न्यूमेरिकल्स में आएगा पेपर में। ठीक है, तो ये याद रखें। इस चैप्टर के अंदर ओम्स लॉ आएगा, लाजमी आ रहा है ओम्स लॉ, इसका न्यूमेरिकल भी आ रहा है, सिंपल सा न्यूमेरिकल आएगा, वी इक्वल टू आई आर, ये फ्री का आपका बिल्कुल देंगे, और ये लाजमी आएगा। हो सकता है कि ये म्यू फैराडे वाला सवाल आ जाए, तो म्यू के में याद रखना कि 10^6 होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये। ठीक है, इसमें हमारे पास न्यूमेरिकल आ सकता है, ये वाला स्टेप का न्यूमेरिकल दे सकते हैं, तो इसमें रेजिस्टेंस में कोई डिटेल नहीं है, बस न्यूमेरिकल आ सकता है। जूस लॉ करना है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जूस लॉ। अच्छा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर ये राइट हैंड रूल जो होता है, इसको पक्की तरीके से करना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना आ जाएगा पेपर के अंदर। ठीक है, इसका राइट हैंड रूल जो है ये वाला भी आता है। ठीक है, तो ये वाला जो है चैप्टर के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाली डायग्राम, ये वाला न्यूमेरिकल भी करना है। ठीक है, ये न्यूमेरिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके न्यूमेरिकल बहुत आ सकते हैं, ये जिस टाइप का न्यूमेरिकल जो है ना, ये हमारे पास जो फार्मूला होता है इसका, अपना फार्मूला ये होता है ना VIL साइन थीटा वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला न्यूमेरिकल में फार्मूला लगेगा। ठीक है, ये वाला करना। DC मोटर लाजमी आएगा लॉन्ग के अंदर, पक्का करो। ठीक है, पुराना है ये सवाल, तो हो सकता है क्योंकि पेपर जो है ना, मैंने देखा है कि पुराने मॉडल पेपर में से काफ़ी दे रहे हैं 5 ईयर में से, तो ये वाला पक्का देखो आ सकता है। ठीक है, फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन कर लो, लेंस लॉ कर लो। ठीक है, छोटी छोटी डेफिनेशन है। ठीक है, ये सब चीज़ें कर लो, AC कन्वर्टर, म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, ये लाजमी है इस चैप्टर के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ट्रांसफार्मर तो मॉडल पेपर में भी था, रोल ऑफ ट्रांसफार्मर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारा चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद 17 चैप्टर है, इसको भी देख लेते हैं। ये वो पुराना आपका कंप्यूटर वालों को तो आता ही होगा ये चैप्टर, क्योंकि इसमें पूरा कंप्यूटर ही दिया हुआ है। ठीक है, लॉग गेट्स दिए हुए हैं, इसमें CRO जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडल पेपर में भी आया हुआ। ठीक है, ये डिजिटल एनालॉग का डिफरेंशिएट कर लो, कोई 5 कर लेना, कोई 3 कर लेना। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी कर लेना, और कैथोड रे ऑसिलेटर CRO मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विद डायग्राम के साथ करना है इसको। ठीक है, सीरीज ऑफ CRO भी कर लेना, शॉर्ट में आ सकता है। गेट्स के अंदर मुझे लग रहा है ट्रुथ टेबल बनाने को आ जाएगा, तीन रो वाला, तीन इनपुट वाला, तो ये गेट्स पूरे बनाने आने चाहिए आपको। ठीक है, ये आपके कंप्यूटर के अंदर भी आया था ये वाला सवाल इस टाइप का। ठीक है, तो ये वाला भी पूरा कर लेना। इसके बाद अगला चैप्टर भी देख लेते हैं, 18 ट्रांसमिशन और रेडियो वेव है 18 के अंदर, इसको भी देख लेना। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ट्रांसमिशन थ्रू सिग्नल ऑप्टिकल फाइबर, इसके अंदर हमारे पास ये ना उसको कर लो, इंशाल्लाह पेपर बहुत आसान आएगा, और बाकी ये कि तुम सब पूरा का पूरा पेपर कर सकते हो। ठीक है, इसके साथ साथ मैंने देख लो ये इलेक्ट्रॉन, अब ये 3-2 चैप्टर नए आए हैं, इसके अंदर की चीज़ें मैं बता चुका हूँ। ठीक है, सही है, ये भी देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अल्फा बीटा का मैंने बताया, देखो यहाँ पे आए हुए। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन मैंने बताए यहाँ पे आए हुए। ठीक है, हाफ लाइफ का मैंने बताया यहाँ पे आया हुआ, ये हाफ लाइफ के वाले सवाल है, लेकिन इसमें जो आया हुआ नया वो चेंज सवाल है, उसको करना अच्छी तरीके। ठीक है, ठीक है, ये सारे सवाल, न्यूट्रल रिएक्टर, फ्यूजन फ्यूजन, ये सारे सवाल जितने हैं मैंने बताए हुए, और इसके अंदर सॉल्व भी हुए न्यूमेरिकल्स, तो इसको देख के चले जाना। सही है, इंशाल्लाह ताला पेपर आसान आ रहा है और हो जाएगा। ठीक है, बाकी मैथ्स वगैरह का भी मैं अभी डिटेल दूंगा क्लास 9 की, इसके बाद तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो से आपको फ़ायदा हो सके। थैंक यू सो मच। हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास क्या है, ये रदरफोर्ड वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला कर लें।
सही है, रदरफोर्ड का कर लेते हैं। न्यूक्लियर स्ट्रक्चर वाला चैप्टर इसको भी देख लेते हैं। इसमें भाई साहब आवाज बता देता हूँ, हाँ ये बता देता हूँ यार, ये भी मुझे अच्छा लग रहा है यार। कितने मिनट की हुई है अभी? 38 मिनट की हुई है। सही है, ये रुक गई ना, ये चल दी। सही है, अब जैसे मैंने जो जो क्वेश्चन इसमें बताए ना उसको भी एक नज़र में 5 ईयर में चेक कर लेते हैं कि देखो मैंने ये वाला सवाल के बारे में तुम्हें बताया कि ठीक है इस चैप्टर में से जनरल वेव में से सवालात जो आ रहे हैं वो इसी टाइप के आ रहे हैं, वेव वाले, वाइब्रेशन वाले। ठीक है, ये देख लो 5 ईयर में भी ये वाला आया हुआ है। अच्छा, ये 2018 लिखा हुआ है लेकिन ये बुक का चैप्टर जो है ना वो सेम ही है, तो इसका मतलब है कि इसी से रिलेटेड आ रहा है। और पेपर जो अभी मैंने देखा है, जिस तरह के पीछे के पेपर तुम लोगों के आए हैं उसमें क्या आ रहा है, जैसे कंप्यूटर का पेपर है या हमारा मैथ का पेपर हुआ है, उसमें सेम जो है ना उन्होंने पुराना उठा के दे दिया, नई बुक का कुछ इतना दे नहीं रहे, तो इसलिए इसको भी फॉलोअप करते चला जाते हैं। और देखना इसी में से पेपर आएगा। ठीक है, ये टाइम पीरियड वाला भी मैंने बताया हुआ है, पेंडुलम वाला भी अभी बताया था पहले। ठीक है, ये वाला वी इक्वल्स टू एफ लैम्डा भी डेरिवेशन बताई थी। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास जो सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला मैंने बताया था ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास बाकी ये सवाल सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड हैं, काफ़ी ईयर्स में आए हुए। ठीक है, तो ये पक्का पक्का कर लो, फाइनल यही है। ठीक है, इसके बाद डिफरेंशिएट है म्यूजिकल साउंड और ये वाला। ठीक है, लाउडनेस वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कॉनकेव मिरर के फिर वो न्यूमेरिकल्स जो मैंने बताए वो सारे न्यूमेरिकल्स है। ठीक है, इसी हिसाब से हमारे पास सारे न्यूमेरिकल्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। और इसके बाद वो डायग्राम वगैरह जो होती है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन है, करेक्टरिस्टिक ऑफ प्लेन मिरर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी वो न्यूमेरिकल्स इसके अंदर इंपॉर्टेंट है जैसे मैंने बताया। ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप मैंने अभी बताया था आया हुआ, देखो टेलीस्कोप भी एक दफ़ा आया, तो बस ये दोनों कर लेना। ठीक है, इसके साथ साथ डिफेक्ट्स ऑफ आई का रिलेटेड बहुत सारे आए हुए जो मैंने बताया था। ठीक है, ये कर लेना। इसके अलावा हमारे पास ये रे डायग्राम आई हुई है। ठीक है, कॉनकेव मिरर की ये कर लेना। कूलम लॉ का मैं बता चुका हूँ, देखो फिर से आया हुआ है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो मैं बताऊँगा इसमें नहीं मौजूद होगा। ठीक है, ये जूस लॉ का भी मैंने बताया, देखो इसमें आया हुआ। ठीक है, तो बाकी ये सारी चीज़ें जो जो मैंने बताई हैं ऑलरेडी देखो 5 ईयर्स के पेपर्स में आई हुई हैं। ओम्स लॉ का मैंने बताया, देखो इसमें आया हुआ। ठीक है, दिखाने का मकसद ये है कि जो मैंने बता दिए ना उसको कर लो, इंशाल्लाह पेपर बहुत आसान आएगा। और बाकी ये कि तुम सब पूरा का पूरा पेपर कर सकते हो। ठीक है, इसके साथ साथ मैंने देख लो ये इलेक्ट्रो, अब ये तीन दो चैप्टर नए आए हैं, इसके अंदर थी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। ठीक है, सही है, ये भी देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अल्फा बीटा का मैंने